सिंह जी, उनकी स्मृति में उपस्थित मेरे बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दूर दराज से आए हमारे सभी प्रेमी श्रोतागण और हमारी मातृशक्ति, आप सभी को हमारी छोटी सी पार्टी की तरफ से शांत हो जाए हाथ जोड़कर नमस्कार है, राम राम है। रही बात गाने बजाने की, हम कोई इतने बड़े कलाकार नहीं, कलाकार के तो पहाड़ के धूल के समान भी नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार आपके बीच में बिल्लू शर्मा जी खेड़ा टाणा से, जो कि हमारे यूपी की नाक रहे हैं आज तक, और बहुत ही अच्छा गाना इन्होंने गाया, हरियाणा वालों की टक्कर यही लिया करें आज तक भी, बहुत ही बढ़िया गाना। और इस गांव के और हमारे दो भाई और बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, भाई कल्लू और आदेश। और आदेश ने तो मेरे ख्याल से वीजा छोड़ भी दिया बेचारे ने, क्योंकि कई साल से हम देख नहीं रहे, नहीं बहुत ही अच्छा गाना ये भी गाया करते। हाँ, अब जाए इन्होंने दूध का काम जोड़ दिया, ये भी बहुत अच्छा काम है, है? पेड़ इंसान उसके मन में बेरहनी कैसी कैसी ख्वाहिश होती है, वो चाहता है कि भाई तेरे पास हर चीज हो जा, लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। कवि ने बताया कि इंसान की कैसी कैसी ख्वाहिश होती है, क्या क्या सोच होती है, लेकिन मन की सोची कदे पूरी को ना होती, कुछ हो जाए कुछ नहीं रह जाए। कैसे, क्या प्रमाण दे, किसने क्या सोचा, क्या बता दिया ना? Yeah!
कि लंका का राजा रावण बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी हुआ। उसने सोचा, मन में विचार करया, क्यों ना ऐसी पेड़ी बनाई जा जो मृत लोग से स्वर्ग लोग तक सिद्धि दे। फिर मन में विचार करया कि अगर इस जितना भी ये पृथ्वी के ऊपर पानी है, अगर इसका दूध बना दिया जा तो कितना अच्छा काम हो। दो चीज बताई कि जल की काई अग्नि का धुआं, अगर पानी में ये ना हो तो पानी कदे खराब कोई ना हो। अग्नि में धुआं, लेकिन ये बात सोच सी रहा था, मन में विचार कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए कि बाप से पहले बेटा कोई ना मरे। लेकिन सोचते सोचते उस काल बलि ने आके घेर लिया और वो सोने की लंका न्यू मिट्टी में राख हो गई। दूसरी कली में किसने क्या सोचा बोला, एकदम अग्नि सर पे चढ़ गई, कोन्या पार बसाई, भेद खोल के देखन लग गया, गुप्ती मोरी पाई। छे जीव मरे जड़ के सजनो दुनिया देखन आई, चंद्र ने करूं राज तिलक और ए हो जा मन के चारे। चरत भरत की माता ने मेलो बीच बुलाए, 14 साल का मिला जसोटा रखोटे वचन सुना। Yeah.
या बेटा सुनो, इसी सभा में गानी चाहिए।